नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने YouTube चैनल का हाई CTR को कम कर सकते हैं। वेल, काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि CTR कौन सा होता है, इंप्रेशन होता है CTR या पे CTR होता है। तो वेल, मैं बता दूं, पे CTR होता है जिसको आपको 5 से 6% तक कम करना होता है। अगर आपका CTR 13-14 या उससे ऊपर जाता है तो ये आपका चैनल और मोनेटाइजेशन के लिए खतरा है। तो उस केस में आपको इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा दोनों तरफ से, ताकि आप अपने चैनल को और मोनेटाइजेशन को बचा सकें। देखिए, अगर आपका YouTube चैनल है और उसमें जो CTR यानी कि पे CTR 13-14 या उससे ऊपर होता है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो होता है इनवैलिड एक्टिविटी फॉर्म को भरना होता है, और इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा उस फॉर्म का। अगर आपका चैनल में CTR यानी कि पे CTR 13 जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है और तो कंफर्म है ये 15 से ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है। इसके अलावा कभी कभी होता है, फॉर्म भरने के अलावा भी अगर इस फॉर्म में होता यह है कि आप गूगल को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके चैनल में इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, तो एक तरह से उनको इन्फॉर्म करना होता है। और ये माना जाता है कि इस फॉर्म को भरने के बाद भले आपका CTR ज़्यादा भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि आपने इन्फॉर्म कर दिया तो आपका चैनल बच जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फॉर्म करने के बावजूद आपके चैनल को गूगल जो है एडवर्टाइज़र को बचाने के लिए आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल कर देता है, ताकि एडवर्टाइज़र को लॉस ना हो। क्योंकि गूगल और यूट्यूब के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसे वो ज़्यादा वेटेज देता है, वो होता है एडवर्टाइज़र। एडवर्टाइज़र को वो पहले मानता है, बाद में क्रिएटर को मानता है। तो उस कंडीशन में अगर आपके चैनल में बार बार क्लिक्स हो रहे हैं, इनवैलिड क्लिक हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में एडवर्टाइज़र को लॉस ना हो, इसलिए यूट्यूब आपके चैनल के मोनेटाइजेशन या चैनल को ही टर्मिनेट कर देता है, ताकि एडवर्टाइज़र को लॉस ना हो। और फाइनली जो है, जो लॉस होता है वो होता है आपको, भले बाद में वो चैनल आपको मिल जाए 2 या 3 दिन बाद, जो अगर आपने फॉर्म भरा इनवैलिड एक्टिविटी फॉर्म, तो उस पर अगर आप अपील पे विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो वो चैनल आपको वापस मिल जाता है, मोनेटाइजेशन में मिल जाती है। लेकिन फाइनली जो लॉस होता है आपको 3 से 4 दिन का, वो भी तब जब आपका चैनल एक अच्छी ग्रोथ पे हो, अच्छी इनकम उसमें हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी हद तक लॉस हो सकता है, जितने दिन तक आपका चैनल टर्मिनेट हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है ये इनवैलिड एक्टिविटी का। इसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी भी है आप जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, जिससे आप अपने चैनल को बचा सकते हैं। तो वह सबसे पहले ये जानिए कि इनवैलिड या हाई CTR का सबसे मेन कारण क्या होता है। देखिए, सबसे मेन कारण हाई CTR का जो होता है वो होता है नॉन स्किपेबल एड्स। वेल, देखिए, जो नॉन स्किपेबल एड्स होती हैं वो जनरली बड़े चैनल्स को ही मिलती हैं, जिनके लाख सब्सक्राइबर से ऊपर होते हैं। लेकिन आजकल अगर आपके थोड़े बहुत भी सब्सक्राइबर हैं, तो एक आप गूगल को या YouTube में जाके एक कॉन्टैक्ट में अगर आप रिक्वेस्ट करिए, तो जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं छोटे चैनल को भी 5 सेकंड या 7 सेकंड का नॉन स्किपेबल एड्स को जो है इनेबल हर कोई कर ले रहा है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट डाल के उनके कस्टमर एजेंट पे और इनेबल कर ले रहा है। तो ये वो टाइप का ऐड होता है जिसको कोई स्किप नहीं कर सकता। और अगर आपका कोई वीडियो देखता है और उसको इस टाइप का अगर वीडियो दिखता है, तो वो भले उस वीडियो पे क्लिक ना भी करे, तो वो क्लिक मान लिया जाता है। तो ऐसे अगर आपकी वीडियो में बार बार स्किप नॉन स्किपेबल एड्स आते हैं जिसको कोई स्किप नहीं कर सकता, तो वो क्लिक जो है मान लिए जाते हैं। और ऐसे में होता ये है कि व्यूज़ आपके कम रहते हैं और आपका जो क्लिक है वो बढ़ता जाता है, ऐसे में आपका जो CTR है वो भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे CTR को कम करने के लिए, आपको अपने एड्स को यानी कि जो नॉन स्किपेबल एड्स है इसको डिसेबल करना होगा। तो ये कैसे डिसेबल करेंगे, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे लॉगिन करना होगा, और उसके बाद आपको जाना होगा क्रिएटर स्टूडियो पे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको जाना है डैशबोर्ड में, आप आने के बाद आपको यहाँ वीडियो मैनेजर पर क्लिक करना है। देखिए, हाई CTR से बचने का सबसे जो मेन कारण है ये है कि आप अपने जितने भी नॉन स्किपेबल एड्स हर वीडियो के, इसको आप डिसेबल कर दीजिए जब तक कि आपका CTR 5 से 6% तक ना हो जाए। तो देखिए, एक तरीका ये है कि आप जो है सारे वीडियोस को लाइन से खोलिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर इस वीडियो को खोलता हूँ। तो वीडियो खुलने के बाद आपको जो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मोनेटाइजेशन का, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन स्किपेबल एड्स है, इसको आपको यहाँ पे चेक वाला ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके हटाना है और सेव चेंज पे क्लिक कर देना है।
लेकिन अगर आपका चैनल बड़ा, उसमें कई वीडियो हैं, तो अगर आप ये सारे वीडियोस पे करने जाएंगे तो ऐसे जो होगी रात हो जाएगी, आप करते ही रह जाएंगे और हो सकता है तब तक आपका चैनल भी टर्मिनेट हो जाए। तो ऐसे में आपको एक शॉर्टकट अपनाना होगा, जिस तरह से आप कई वीडियो को एक साथ जो है नॉन स्किपेबल एड्स को हटा सकते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको ऐसी वीडियोस ढूंढनी होगी अपने चैनल पे जिसमें व्यूज़ ज़्यादा आते हों, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जो है बाकायदा देख सकते हैं कि कौन सी वीडियोस पे आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि जिस वीडियोस पे आपके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसी वीडियोस की वजह से आपका जो पे CTR है वो बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले उन वीडियोस को आपको ढूंढना होगा कि जिस पे आपके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उन्हीं वीडियोस का कोशिश करिएगा जो है नॉन स्किपेबल एड्स को आप डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको 10 वीडियो आपको मिलती हैं, तो अगर आप 10 वीडियोस को एक एक करके डिसेबल करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए, आप मानते हैं कि जानते हैं कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि आपको सबसे पहले वीडियो मैनेजर में जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का लेआउट दिखेगा। लेफ़्ट साइड पे हर वीडियो के एक बॉक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, आपको करना है ये हर बॉक्स पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि मेरी 5 वीडियो हैं जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, 5 वीडियोस को सेलेक्ट करता रहूँगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ये सारी की सारी वीडियो सेलेक्ट होने लग जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे 5 वीडियोस सेलेक्ट कर लिए जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि आपने सेलेक्ट कर ली, चाहे तो आप और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको इसमें क्लिक करते जाना है। तो आप देखेंगे आपको अलग अलग वीडियोस को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी वीडियोस को के जितने भी नॉन स्किपेबल एड्स हैं आप इसको एक साथ डिसेबल कर देंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको एक टॉप में एक ऑप्शन दिखेगा एक्शन का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे, उसमें एक आपके चौथा एक ऑप्शन आपको दिखेगा मोनिटाइज का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो जो इस वीडियोस पे, यानी कि सारी की सारी वीडियोस पे एड्स चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे, यानी कि ओवरले एड, स्किपेबल वीडियो एड्स और स्पॉन्सर्ड कार्ड एड्स। तो आपको करना ये है कि आपने सारे के सारे वीडियो सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आपको स्किपेबल वीडियो एड्स पे चेक मार्क दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, चेक मार्क हट जाएगा और आपको यहाँ पे मोनिटाइज वाले बटन पे क्लिक कर देना है। बस इतना आप करेंगे कि ये जितने भी वीडियो आपने सेलेक्ट किए हैं ये सारे के सारे जितने भी इनमें नॉन स्किपेबल एड जो टिक हैं वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर में मैंने आपको ये बताया, लेकिन ये सारे के सारे आपको करने हैं उन वीडियोस पे जिस पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो आप अपने चैनल को, चैनल में से सारे के सारे वीडियोस ऐसे ढूंढ लीजिएगा और जो जो वीडियोस पे आपके इस टाइप के व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं उससे आप कंबाइंड जो है इस तरह से, आप सारे एक एक वीडियोस में ना करते हो, सारे कंबाइंड आप इस तरह से डिसेबल ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे और वो जितने भी हाई जिसमें व्यूज़ ज़्यादा आते हैं वीडियो पे, उनको अगर आप डिसेबल करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक दिन के अंदर ही आपका अगर CTR 14-15% से ऊपर हो गया वो 5-6% तक आ जाएगा। तो जैसे 5-6% तक आपका CTR पहुंच जाएगा, दोबारा आपको यही प्रोसेस करके इसे इनेबल कर देना है। और तरीका यही है, कंबाइंड ढंग से करिएगा, एक एक करेंगे इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वेल, ये था उम्मीद, ये था वीडियो किस तरह से आप अपने हाई CTR को बहुत हद तक कम कर सकते हैं एक छोटे से एक्शन से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।